हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 पैरेलल लाइंस। तो आइए हम देखते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस क्या होती है, पहले हम ये समझते हैं। पैरेलल लाइंस व्हेन द टू लाइंस आर एट सेम डिस्टेंस एंड डोंट इंटरसेक्ट इच अदर दे आर पैरेलल। टू लाइंस, दो लाइंस जब पैरेलल तब होती है जब वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर चल रही होती है और वे एक दूसरे को कभी भी काटे नहीं, कभी भी आगे चल के वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो वो दो लाइंस पैरेलल लाइंस होती है। जैसे कि यहाँ पर ए बी एंड सी डी, ये सीधी चल रही है, दोनों सेम डिस्टेंस पर चल रही है। लाइंस देख सकते हैं हम, यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर है, ये आगे भी सेम डिस्टेंस पर ही चलेगी और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, नेक्स्ट है द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट टू पॉइंट्स। अगर कोई दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं किसी दो पॉइंट पर, किसी एक लाइन में दो पॉइंट्स पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर्स होते हैं LN एंड MO, ये जो दो परपेंडिकुलर हैं ये आपस में पैरेलल होंगे। यहाँ पर LN एंड MO पैरेलल होंगे, LN पैरेलल MO। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पर LNA 90 डिग्री के एंगल होंगे एंड MOA या MOB, हम इस साइड के एंगल को भी देख सकते हैं और इस साइड के एंगल को भी। सेम ऐसे यहाँ पर भी दोनों साइड्स पे जो एंगल बनेंगे वो बनेंगे 90 डिग्री के। परपेंडिकुलर्स हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, तो जब दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के होंगे तो दोनों लाइंस पर पैरेलल तो होंगी ही। ओके, तो यहाँ पर एल एन एंड एम ओ पैरेलल होंगे। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द टू पैरेलल लाइंस टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल टू इच अदर। इट मीन्स जब कहा जाता है कि एल पैरेलल है एम के और एन पैरेलल है एम के, तो अगर L और M पैरेलल है, M और N पैरेलल है, तो L और N भी पैरेलल होंगे। इट मीन्स यहाँ पर L इज पैरेलल M एंड M इज पैरेलल टू N। यहाँ पर L M के पैरेलल और M को N के पैरेलल बताया गया है, तो जब L M के पैरेलल और M N के पैरेलल है तो L N के पैरेलल भी होगा, सो L इज पैरेलल टू N। तो यहाँ पर ऑल थ्री लाइन्स आर पैरेलल टू इच अदर। ओके, इसके बाद हम देखते हैं थ्री पैरेलल लाइंस मेक इक्वल इंटरसेप्ट। अगर तीन पैरेलल लाइंस इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती हैं, इट मीन्स यहाँ पर इंटरसेप्ट अगर इनका डिस्टेंस इक्वल होता है, तो जब एक ट्रांसवर्सल लाइन एक इक्वल इंटरसेप्ट बनाती तो दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इक्वल टू ई एफ होगा। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, ए बी इक्वल डी ई एंड बी सी इक्वल ई एफ, ये हम लिखेंगे। इसके बाद ए बी के इक्वल अगर बी सी है तो डी ई के इक्वल ई एफ होगा। इफ ए बी इक्वल बी सी तो डी ई इक्वल ई एफ होगा। यहाँ हम इसे इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। और एक और तरीका हमारे पास, ए बी अपॉन बी सी इक्वल डी ई अपॉन ई एफ, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेशियो बन जाता है। अगर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह का रेशियो यहाँ पर शो कर सकते हैं। ओके, आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 से। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड टेकिंग एनी पॉइंट पी। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें एक लाइन सेगमेंट खींचनी सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की, तो आइए हम लाइन सेगमेंट खींचते हैं 6 सेंटीमीटर। ये हमने लाइन सेगमेंट ली 6 सेंटीमीटर की, इसे हम नाम देते हैं ए बी। ओके, ये हमारी लाइन सेगमेंट हुई ए बी 6 सेंटीमीटर की। अब हमें यहाँ पर एक पॉइंट लेना है पी। हमने कहीं पर भी पॉइंट ले लिया पी, इसे हम देंगे पॉइंट पी, पी नाम देंगे। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। अब इस पी पॉइंट पर हमें 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पैरेलल लाइन खींचनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए लेंगे अब राउंडर। राउंडर से हम इस पॉइंट पी से एक आर्क कट करेंगे। पॉइंट पी से हम आर्क कट करेंगे इस लाइन सेगमेंट के दोनों ओर, इस ओर भी और इस ओर भी हमने ये आर्क्स कट किए। अब ये जो हमने आर्क कट किए हैं, हमने आर्क ए बी पर दोनों साइड कट किए हैं, इस आर्क से हम एक तीसरा आर्क कट करेंगे ऊपर की ओर, इस तरह से ये हमने आर्क कट किए, ये हमने तीसरा और चौथा आर्क कट किया।
दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे, इसे हम मैच कर लेंगे पॉइंट पी से। ये हमने मैच किया पॉइंट पी से, ये हुआ हमारा लाइन सेगमेंट पी एक्स। हमने लाइन सेगमेंट पी एक्स खींच ली, ये लाइन सेगमेंट पी एक्स ए बी पर परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज जब किसी एक पॉइंट से दोनों ओर आर्क कट करके उन दोनों आर्क से तीसरा आर्क कट किया जाता है, तो जो लाइन सेगमेंट जो बनती है उस आर्क को मैच करते हुए जो लाइन सेगमेंट बनती है वो परपेंडिकुलर होती है या लंब होती है उस पॉइंट पर, यहाँ पर 90 डिग्री का वो एंगल बनाती है। अब इस लाइन सेगमेंट पे हमें 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर एक दूसरा आर्क कट करना है। हम लेंगे डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर का, ये हमने डिस्टेंस लिया 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक का डिस्टेंस होगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। इसे हम नाम देंगे सी, इसे हम नाम देंगे पॉइंट सी। अब इस पॉइंट सी पर हमें एक पैरेलल लाइन खींचनी है, वो हम कैसे खींचेंगे? हम ये खींचेंगे, जब हमने ए बी पर परपेंडिकुलर डाला पी एक्स को, वैसे ही हम सी पर परपेंडिकुलर इधर से डालेंगे। सी पर हमें इधर से परपेंडिकुलर चाहिए जो कि पैरेलल होगा ए बी के, तो हम ये परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। हम जैसे हमने पी पर खींचा है दो आर्क, वैसे ही हम यहाँ पर भी आर्क खींचते हैं। एक आर्क हमने इधर खींचा और दूसरा आर्क इस ओर। अब इस आर्क से हम तीसरा आर्क खींचेंगे ऊपर की ओर, सी के ऊपर, ये हमने इस तरह से खींचा ये। अब इस कटिंग पॉइंट को हम मिला देंगे सी से और इसे हम बढ़ाते हुए मिलाएंगे क्योंकि हमारा ये पैरेलल लाइन है, इसे हम मिला देंगे। ये होगा हमारा लाइन डी सी जो कि पैरेलल है ए बी के, डी सी पैरेलल ए बी। ओके, तो इस तरह से हमारा पैरेलल लाइन हम खींच सकते हैं। हम किसी भी लाइन सेगमेंट के पैरेलल लाइन इस तरह से खींच सकते हैं, चाहे यहाँ पर की डिस्टेंस चेंज कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए, या डिस्टेंस ना दी हुई हो तो भी हम इस तरह से पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, हमने जिस तरह से इसे कंस्ट्रक्ट किया आप उन स्टेप्स को लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। इन क्वेश्चन नंबर टू, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम, टी परपेंडिकुलर एम एंड टी परपेंडिकुलर एन, देन फर्स्ट है। अब आपको यहाँ पर तीन पैरेलल लाइंस दी हुई है, ये देखने में पैरेलल लग रही हैं लेकिन केवल एल और एम को ही पैरेलल बताया गया है और टी को परपेंडिकुलर एम और टी परपेंडिकुलर एन बताया गया है। अब हमें प्रूफ करना है एम पैरेलल एन y एंड l पैरेलल n y एंड थर्ड है t परपेंडिकुलर l y, इन तीनों चीज़ों को हमें प्रूफ करना है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। देखिए l को पैरेलल बताया गया है m के, l को पैरेलल बताया गया है m के एंड t को परपेंडिकुलर m, t परपेंडिकुलर है m पर और t परपेंडिकुलर है n पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि l, m और n तीनों ही पैरेलल हैं और t तीनों ही लाइंस पर परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पर L को केवल M से ही पैरेलल बताया गया है और T को परपेंडिकुलर M और N पर बताया गया है। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि इस M पैरेलल N, क्या M और N पैरेलल है? L और M को तो पैरेलल बताया गया लेकिन M और N को पैरेलल नहीं बताया गया, तो क्या M और N पैरेलल है? तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि L और M पैरेलल है एंड T M पर परपेंडिकुलर है, T N पर भी परपेंडिकुलर है, तो जब कोई एक लाइन, कोई एक ट्रांसवर्सल किसी दो लाइंस पर परपेंडिकुलर होती है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T परपेंडिकुलर M एंड T परपेंडिकुलर N, सो M पैरेलल N। यहाँ पर T परपेंडिकुलर M और N दोनों ही लाइंस पर है इसलिए M और N दोनों ही पैरेलल होंगी, तो यहाँ पर आंसर होगा यस एम पैरेलल एन। ओके, नेक्स्ट है इस एल पैरेलल एन। अब एल और एन को पैरेलल हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ हमें पता है एम पैरेलल है एन के, एम और एन पैरेलल है और एल और एम आपस में पैरेलल है, तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं तो पहली और तीसरी लाइन भी पैरेलल होगी, तो यहाँ हम लिखेंगे एल पैरेलल एन।
फर्स्ट एंड सेकेंड एम पैरेलल एन, हमने अभी प्रूफ किया, ये हमें दिया हुआ है। तो इन दोनों को देखते हुए जब L और M पैरेलल है और M और N पैरेलल है तो L पैरेलल होगी N के, इन दोनों के अनुसार L और N पैरेलल होगी। बिकॉज हमने अभी रूल्स पढ़े हैं, रूल्स में हमने देखा कि जब तीन लाइंस में से दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो तीसरी लाइन उसके पैरेलल होती है, यहाँ पर हमें वो रूल लिखना होगा। इसके बाद थर्ड है, इस टी परपेंडिकुलर एल, क्या टी परपेंडिकुलर है एल पर? तो यहाँ हमें पता है टी परपेंडिकुलर है एम पर और टी परपेंडिकुलर है एन पर, और एल एम एन तीनों ही पैरेलल है, सो टी परपेंडिकुलर होगा एल पर भी। यहाँ हम लिखेंगे टी इज परपेंडिकुलर एम फर्स्ट, सेकेंड टी इज परपेंडिकुलर एन थर्ड, टी और एल की बात हो रही है यहाँ पर, टी परपेंडिकुलर है एल पर, तो यहाँ एल और एम में हमें सिमिलरिटी दिखानी है, एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल है एम के, ये तो हमें पता है एल है पैरेलल एम के। तो जब कोई लाइन, कोई ट्रांसवर्सल एक लाइन पर अगर परपेंडिकुलर है तो वो दूसरी लाइन पर तभी परपेंडिकुलर होगी जब वो लाइन उसके पैरेलल होगी। तो एल और एम पैरेलल है सो टी इज परपेंडिकुलर टू एल, इसलिए टी एल पर परपेंडिकुलर होगा, प्रूफ्ड। ओके, तो ये इस तरह से प्रूफ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर ए पैरेलल बी पैरेलल सी एंड एल एंड एम आर टू ट्रांसवर्सल्स, इफ पी क्यू इक्वल क्यू आर इज ओ एन इक्वल एन एस वाई। अब इस डायग्राम में हमें तीन पैरेलल लाइंस दी हुई है और एल और एम उसके दो ट्रांसवर्सल हैं। इन दो ट्रांसवर्सल्स में पी क्यू और क्यू आर, आइए हम इसे डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ए पैरेलल बी पैरेलल सी है गिवन, ये हमें दिया हुआ है ए पैरेलल बी पैरेलल सी, एल एंड एम आर ट्रांसवर्सल, एल और एम यहाँ पर ट्रांसवर्सल्स हैं। इसके बाद हमें ये बताया गया है कि पी क्यू और क्यू आर की डिस्टेंस सेम है, पी क्यू इक्वल क्यू आर है, सो पी क्यू इक्वल क्यू आर है, ये चीज़ें हमें दी हुई है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ओ एन इक्वल एन एस है क्या, तो यहाँ हम लिखेंगे यस ओ एन इक्वल एन एस। क्यों? रीज़न ये होगा कि जब तीन पैरेलल लाइंस पर एक ट्रांसवर्सल में जब पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होता है तो दूसरे ट्रांसवर्सल में भी उन पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ पर हमें फर्स्ट पेज में, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पेज में ही नीचे ये रूल दिया हुआ है, इफ़ थ्री पैरेलल लाइंस मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन वन ट्रांसवर्सल देन दे मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल एज वेल। अगर तीन ट्रांसवर्सल लाइन एक तीन पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल पर इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती है तो दूसरे ट्रांसवर्सल पर भी वो इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाएंगी, सो ओ एन इक्वल एन एस होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ थ्री ट्रांसवर पैरेलल लाइंस मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन वन ट्रांसवर्सल देन दे मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल। इस रूल के अकॉर्डिंग यहां पर ओ एन इक्वल एन एस होगा, इट इज प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ पैरेलल ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट फॉर द लाइन सेगमेंट ए डी, देन इज ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी वाई एंड इज एफ द मिड पॉइंट फॉर द लाइन सेगमेंट सी बी वाई। इन दिस क्वेश्चन हमें बताया गया है कि ए बी पैरेलल है डी सी के,
ए बी पैरेलल है डी सी के और ई एफ पैरेलल है ए बी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के। तो यहाँ पर कॉमन है ए बी, कॉमन ए बी पैरेलल है ई एफ के भी और डी सी के भी। तो जब ए बी ई एफ और डी सी दोनों के ही पैरेलल है, सॉरी हाँ पैरेलल है, तो यहाँ पर ई एफ और डी सी भी आपस में पैरेलल होंगे। हमने रूल एक बताया आपको, फर्स्ट रूल मैंने बताया आपको कि जब तीन लाइंस सॉरी दो लाइंस जब तीसरी लाइन के पैरेलल होती है तो वो दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल होती है। इट मीन्स जैसे कि ये दो लाइंस अलग अलग ए बी के पैरेलल है तो ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी। उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डी सी ई एफ और ए बी पैरेलल होंगे, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी पैरेलल डी सी। सेकेंड ई एफ पैरेलल ए बी, सो डी सी इज पैरेलल टू ई एफ। तो यहाँ पर ए बी पैरेलल है डी सी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के, सो डी सी इज पैरेलल टू ई एफ। रूल यहाँ हम लिखेंगे व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू अनदर लाइन देन दे बॉथ पैरेलल। जब दो लाइंस तीसरी लाइन के पैरेलल होती है तो वे आपस में भी पैरेलल होती है, इसलिए डी सी इज पैरेलल टू ई एफ। अब जब ए बी डी सी के पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है और डी सी ई एफ के पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी, ए बी ई एफ और डी सी तीनों ही पैरेलल होंगे, इसे हम ये कह सकते हैं, इट इज प्रूव्ड। ओके, सेकेंड हमारा क्वेश्चन है यहाँ, इज एफ द मिड पॉइंट फॉर द लाइन सेगमेंट सी बी वाई। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी वाई, ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें एक और जानकारी दी गई है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई मिड पॉइंट है ए डी का। तो जब ई ए डी का मिड पॉइंट है तो यहाँ ए ई इक्वल डी ई हम लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ए ई इक्वल ई डी। यहाँ रीजन हम देंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई मिड पॉइंट है ए डी का, इसलिए ए ई इक्वल ई डी हम लिखेंगे। इसके बाद जब ए ई इक्वल है ई डी के तो बी एफ इक्वल होगा एफ सी के, तो यहां पर हम लिखेंगे बी एफ इक्वल सॉरी यहां पर इक्वल एफ सी। ये क्यों होगा, बी एफ इक्वल एफ सी इसलिए होगा क्योंकि जब तीन ट्रांसवर्सल लाइंस है सॉरी तीन पैरेलल लाइंस है, इन पैरेलल लाइंस में जब एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती है तो दूसरा ट्रांसवर्सल भी यहाँ इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाएगा। ये हमने अभी रूल आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पेज में लिखा है, इफ थ्री पैरेलल लाइंस मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन वन ट्रांसवर्सल देन दे मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन अनदर ट्रांसवर्सल एज वेल। तो ये रूल आप यहाँ पर लिखेंगे, थ्री लाइंस मेक इक्वल, ये वाला रूल आप यहाँ पर नोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बी एफ इक्वल एफ सी हो जाएगा। तो जब बी एफ इक्वल एफ सी होगा तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसलिए F मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। तो ये भी हमारा प्रूफ हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉन्फिगर L पैरेलल M पैरेलल N, विल द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स बी इक्वल। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि L, M और N तीनों ही पैरेलल है, तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन L पैरेलल M पैरेलल N, L, M और N तीनों ही पैरेलल है और ABC यहाँ पर लाइन ABC और DEF ट्रांसवर्सल है इस तीनों पैरेलल लाइन के। तो हमें ये प्रूफ करना है कि क्या यहाँ पर इनका रेशियो इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि एक ट्रांसवर्सल
ए बी और सी, तो हम यहाँ ए बी अपॉन बी सी लिख सकते हैं। इनके डिस्टेंस चाहे जो भी हो, यहाँ पर हम ए बी अपॉन बी सी लिखेंगे। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस डी ई का होगा, और यहाँ पर बी सी का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ पर ई एफ का होगा। इसलिए हम ए बी अपॉन बी सी इक्वल सॉरी डी ई अपॉन ई एफ लिखेंगे। तो ये तो जब थ्री लाइंस पैरेलल होती है, थ्री लाइंस जब पैरेलल होती है तो उसका एक ट्रांसवर्सल जो रेशियो बनाता है वही रेशियो दूसरा ट्रांसवर्सल भी बनाता है जो कि इक्वल रेशियो होता है। तो यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी इक्वल डी ई अपॉन ई एफ, दे मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स बिकॉज थ्री लाइंस आर पैरेलल, बिकॉज थ्री लाइंस आर पैरेलल। एंड अगर फर्स्ट ट्रांसवर्सल में जो रेशियो बनेगा वही रेशियो हमारा सेकेंड ट्रांसवर्सल में भी बनेगा। सो ए बी अपॉन बी सी इक्वल डी ई अपॉन ई एफ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ लाइन सेगमेंट्स डी ए सी बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर ऑन लाइन सेगमेंट ए बी वेयर ओ इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फॉर लाइन सेगमेंट्स ए सी एंड डी बी, इफ ओ ए इक्वल 2.4 सेंटीमीटर एंड ओ सी इक्वल 3.6 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि डी ए ओ एम और सी बी परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ये तीनों लाइन्स परपेंडिकुलर ए बी पर हैं। इट मीन्स ये तीनों लाइन्स पैरेलल हैं डी ए ओ एम और सी बी। ओके, तो यहाँ पर ए सी इनका ट्रांसवर्सल है, बी सी इनका ट्रांसवर्सल है, और ए बी भी इनका ट्रांसवर्सल होगा इन तीनों पैरेलल लाइन्स का। इस डायग्राम को हम इस तरह से घुमा के देखते हैं तो ए डी ओ एम और बी सी तीनों पैरेलल हमें दिखाई दे रहे हैं, साथ ही बी डी ए सी और ए बी यहाँ पर हमें ट्रांसवर्सल लाइन्स दिखाई दे रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर ओ ए और ओ सी को, अगर ओ ए हमें दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, ओ सी 3.6 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है सबसे पहले ए एम अपॉन बी एम। यहाँ पर हम लिखेंगे ए एम अपॉन बी एम, तो ए एम अपॉन बी एम को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब तीन पैरेलल लाइंस में ए डी एम ओ और बी सी में ए बी और ए सी ट्रांसवर्सल है, हम ए एम अपॉन बी एम को फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ इतने को देखेंगे तो ए सी और ए बी यहाँ पर ट्रांसवर्सल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ए एम और बी एम का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए ओ और ओ सी का भी होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल ए एम अपॉन बी एम। यहाँ पर रीजन हम देंगे, जब तीन पैरेलल लाइंस इक्वल इंटरसेप्ट्स एक ट्रांसवर्सल में बनाती है तो दूसरे ट्रांसवर्सल में भी वो इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाएगी। थ्री पैरेलल लाइंस मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स देन दे मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन अदर ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल में अगर वो इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती है तो दूसरे ट्रांसवर्सल में भी वो इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाएगी। तो OA AO हमें पता है 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 अपॉन 3.6 इक्वल हम लिखेंगे AM अपॉन BM। तो AM अपॉन BM का रेशियो भी 2.4 अपॉन 3.6, इसे हम सॉल्व करते हैं 2.4 अपॉन 3.6 को, यहाँ पॉइंट्स हमारे कट जाएंगे, 12 टू जा 24 एंड 12 थ्री जा 36, तो 2/3 इज द रेशियो ऑफ ए एम अपॉन बी एम। ये हमारा आंसर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बी ओ इक्वल 3 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओ। तो यहाँ पर बी ओ इक्वल 3 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, हमें डी ओ को फाइंड करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर
तीनों पैरेलल लाइंस है। यहाँ पर अब ट्रांसवर्सल हमारे पास BD और AC हम ले लेते हैं, तो यहाँ AO इक्वल OC होंगे, AO अपॉन OC हम लेते हैं रेशियो, तो यहाँ पर से हम BO अपॉन OD लेंगे, तो यहाँ हम लेंगे रेशियो AO अपॉन OC इक्वल BO अपॉन OD, ये हम रेशियो लेते हैं। तो BO है हमारे, AO है हमारे पास 2.4 अपॉन OC है 3.6 इक्वल BO हमें दिया गया 3 अपॉन OD। इसे अब हम सॉल्व करते हैं, 2.4 इंटू OD इक्वल 3 इंटू 3.6, हम इस 2.4 को ट्रांसफर कर देते हैं, OD इक्वल 3 इंटू 3.6 अपॉन 2.4, ये हमने पॉइंट हटाया, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9 बाई 2 इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है OD, OD होगा 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमें OD भी फाइंड हो गया। ये हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि थ्री पैरेलल लाइंस में अगर एक ट्रांसवर्सल में इक्वल इंटरसेप्ट्स बनते हैं तो दूसरे ट्रांसवर्सल में भी इक्वल इंटरसेप्ट्स बनेंगे, इसलिए AO अपॉन OC इक्वल BO अपॉन OD होंगे। तो यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर OD इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर फाइंड करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।